easy go. What's up guys, स्वागत है आपका एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो आज हम सीखेंगे कि YouTube चैनल के लिए इंट्रोज कैसे बनाते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलना। सो अब आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर लिखना है आपने पैनजोइड, उसके बाद आपने कर देना है इसको सर्च। सर्च करने के बाद जो आपका फर्स्ट नंबर पर है उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपकी वेबसाइट खुल गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंट्रो ही इंट्रोज है। सो आपको जो भी अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मोर क्रिएशंस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप और भी अच्छे अच्छे इंट्रोज पा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंट्रोज ही इंट्रोज हैं। इस वेबसाइट में आपको इंट्रो के साथ साथ आउट्रोज भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हर एक गेम का हर एक तरह का इंट्रो मिल जाएगा। सो अब हम कोई इंट्रो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अब ये वाला इंट्रो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको क्लिक करना ओपन इन क्लिप मार्कर पर। यहाँ पर आपको एक या दो मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, यहाँ पर लोडिंग हो रही होती है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर एक टिक का आइकन बना हुआ है। यहाँ पर आप अब अपने इंट्रो के हिसाब से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप फ्रेम रेट में इसमें अपने हिसाब से कर सकते हो, आप 30 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लेंथ भी बड़ा घटा सकते हो। उसके बाद आपने जाना है फोर्थ ऑप्शन पे, यहाँ पर आपने अब अपने चैनल का नाम लिखना है। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हो। सो आपने दोनों टेक्स्ट पे अपना अपना नाम लिखना है। अब आपने एट्थ ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर डाउनलोड का आइकन बनाएगा। यहाँ पर आप अब अपने इंट्रो के हिसाब से उसकी क्वालिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी वीडियो का। सो अब आपने क्लिक करना स्टार्ट वीडियो रेंडर पर। सो यहाँ पर आपकी वीडियो रेंडर होना शुरू हो गई है। जब ये रेंडर पूरा हो जाएगा तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली ही डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन आपको अपना फ़ोन जो है इसी पेज पे खुला रखना होगा। अगर आप इस पेज को बंद कर दोगे तो आपकी वीडियो रेंडरिंग बंद हो जाएगी। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी तो यहाँ से इंट्रो या फिर आउट्रो ज़रूर बनाना। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमेशा की तरह शेयर भी कर देना।